वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सतसंग जी, तुहाडे लई खुशी की गल है। हुण हर ऐतवार नूं सवेरे 10 बजे तो शामी 4 बजे तक बाबा दीप सिंह जी दे घर बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट राम तीर्थ रोड श्री अमृतसर साहब विखे चुपहरा जप तप समागम हुंदा है। और किवें बाबा दीप सिंह जी एक एक दे नाल वरतन लग पए ने। अगे महीने च एक बारी असी चुपहरा करदे सां हर महीने की 27 तरीक नूं, उह 27 वाला चुपहरा भी होया करेगा, पर हुण 4 चुपहरे होर नाल बापू दीप सिंह जी ने साडी झोली च पाते। मान लो अगे कोई एक चुपहरा करदा सी, अपने मन च दखदा सी कि मैं 5 चुपहरियां की हाजरी भरनी, तो 5 महीने लगते से। हुण महाराज जी की कृपा दे नाल जिहड़ी अरदास 5 महीनियां दे विच कबूल, वह 5 हफ्तियां दे विच कम हो जाना है। और बाबा दीप सिंह जी, तुहानूं सब नूं पता है, जदों तुसी बजवीं भगती करदे हो, जदों चौंकड़े मार के बहिंदे हो महाराज जी की मेहर के नाल, और चुपहरा जप तप समागम के जदों 5 जपजी साहब जी के पाठ, 2 चौपई साहब जी के पाठ, 1 सुखमनी साहब जी का पाठ, और जदों बजवीं भगती करते हो ना, तुहाडी बजवीं भगती का सदका हुंदा की है, तुसी चुपहरे कटदे हो, बाबा दीप सिंह जी तुहाडे घरां विच पहुँच के एक एक दे दुखां नूं कटदे ने, एक एक दी अरदास नूं कबूल करदे ने। आओ भागां वालेओ, मेरी बेनती, हर ऐतवार नूं सवेरे 10 बजे जो राम तीर्थ रोड साहब ने पहुँचण की कृपालता करनी, हर ऐतवार नूं सवेरे 8 बजे बीबी कौला जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड तो जो बसां गड्डियां दा प्रबंध किया गया, जिहड़ियां तुहानूं राम तीर्थ रोड लै भी आया करनगियां और वापसी ते छड भी दिया करनगियां। और भुल्लिओ ना, 9 बजे दे करीब करीब सारी संगत ने पहुँचना है। ये नहीं कि चुपहरा 10 बजे शुरू होना है, कोई 11 बजे आए, कोई 12 बजे आए, कोई 1 बजे, नहीं नहीं नहीं, 9 बजे दे करीब सब ने पहुँच के तिल फुल लंगर प्रसाद छक के, जिवें स्कूल दे विच डिसिपलिन च आउंदे ने ना बच्चे, अनुशासन च आउंदे ने, बस उस तरह एक टाइम ते 9 बजे तक सब ने पहुँच के जो लंगर प्रसाद छकण तों बाद चौंकड़े मार के बह जाना, 10 तों लैके 4 बजे तक फिर चुपहरा जप तप समागम दीयां हाजरियां भरनियां। और हर ऐतवार बाबा दीप सिंह जी इदां प्रतख वरतन लग पए ने, सब नूं पता है, एक एक दे बंधन नहीं कट रहे, एक एक नूं कईआं दे बंधन कट्टण वाला बना रहे ने। और ऐतवार दा दिन असीं क्यों चुने है, सोमवार भी रख सकते, मंगलवार भी, कोई वार भी रख सकते, इहदे च कोई वहम भरम नहीं। ऐतवार दा दिन तां करके चुनिया गया कि छुट्टी दा दिन हुंदा है, इहदे विच फिर सारे पहुँच सकते ने। आओ हर ऐतवार नूं बाबा दीप सिंह जी दीआं खुशियां लैण वास्ते वहीरा कत्त के बाबा दीप सिंह जी दे घर बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीर्थ रोड श्री अमृतसर साहब विखे पहुँचिया करो। ये सारा चुपहरा जप तप समागम जो साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के उत्ते लाइव भी दिखाया जाता है, इहदा लाभ सारे लैणा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, सारे प्यार नाल आखो ने जी, धन बाबा दीप सिंह जी। हफ्तावारी चुपहरा जप तप समागम दे विच दूरों नेड़ों बाबा दीप सिंह जी दीयां खुशियां लैण वास्ते अपनियां अपनियां अर्जियां बापू दीप सिंह दे चरणां विच लाउण वास्ते, अपने अपने दुखड़े बाबा दीप सिंह जी दी झोली विच पवा के उन्हां दी झोली विच्चों सुख ले जाण वास्ते सारे गुरु रामदास जी दे बाबा दीप सिंह जी दे संगत रूपी परिवारक मैंबर बाबा दीप सिंह जी दे घर राम तीर्थ रोड विखे एकत्रित होए, और बेअंत परिवारक मैंबर इस वेले साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के माध्यम राही, साडा फेसबुक पेज है भाई अमनदीप सिंह जी बीबी कौलां वाले, उहदे माध्यम राही देशां विदेशां परदेसां दे विच परिवारक मैंबर जुड़े ने, जिहड़े इत्थे बैठे जिहड़े बाहर बैठे सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां दे उत्ते सिर झुका के मैं मत्था टेक रहा। मेरा टेकिया मत्था करो परवाना खो, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार नाल आखो ने जी, धन बाबा दीप सिंह जी। बड़ी मन नूं ठंड पै रही, ज्यों ज्यों ए चुपहरियां दे उत्ते तुहाडा प्यार वध रहा ना, बड़ी मन नूं खुशी हो रही, बड़ी ठंड पै रही। कोई कितों चल के आया, कोई कितों चल के आया, बस
बापू दीप सिंह दे चरणां दे विच जुड़ना ना छड़े हो। सच्ची गल है तुसी ये चुपहरे कटने ना छड़े हो। बाबा दीप सिंह ने कोई कमी नहीं जे रहन देने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। आओ जड़ियां दो तीन असी जरूरी जरूरी बेनतियां करदे आ रोज, वो करके फिर आपां शब्द पढ़ांगे। अज दी पहली बेनती सुणे, जिंदगी दा एक असूल हमेशा याद रखो। सुने जिन्हें नौजवान बच्चे बच्चियां बैठे ध्यान नाल एक गल तुसी जरूर सुने जी, बाकी भी सारे। जिंदगी दा एक असूल हमेशा याद रखो, दोस्ती प्यार सब नाल, पर भरोसा अपने आप दे उत्ते ते अपने गुरु रामदास बाबा दीप सिंह दे उत्ते। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। दोस्ती करनी है ना, असीं कई बारी दोस्त बनाउने आ, आ मेरा दोस्त है, दस दोस्त ने मेरे। भैणां कई बारी बच्चियां कहिंदियां दस सहेलियां ने मेरियां, बना लो कोई गल नहीं। प्यार भी करो, सब दा सत्कार भी करो, घर दे विच वड्डे बजुर्ग ने उन्हां दा भी आदर मान करो, पर एक चीज दा ध्यान रखो, दोस्ती प्यार सब नाल, पर भरोसा पहले अपने आप दे उत्ते, फिर गुरु रामदास बाबा दीप सिंह दे उत्ते। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार ना लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। और जदों मालक जी दे उत्ते भरोसा रखोगे ना, पहले अपने उपर रखना है, अपने उपर रखांगे ताई चुपहरियां विच उदम करके आवांगे ना, असीं ढिले पै जांगे। अपने उत्ते भरोसा नहीं फिर मालक उत्ते कित्थों कर लांगे। ते जदों अपने आप दे उत्ते भरोसा करन तों बाद अपने मालक दे उत्ते भरोसा रखोगे ना, सच्ची गल है फिर बाबा खंडे वाला तुहाडी झोली नहीं कली भरेगा, तुहानू लखां लखां दियां झोलियां भरन वाला बना देवेगा जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। मैं रोज हैरान होना, नित नवा कौतक बाबा दीप सिंह जी करते हैं। पिछले ऐतवार जदों इत्थे एक बच्ची आई मेरे कोल, मैनू आके पता की कहिंदी, कहन लगी वीर जी मैं ऐतवार ते ऐतवार हुण इत्थे पक्का आया करना है, शायद हुण भी बच्ची वो बैठी होवे। मैं कहा बेटा तेरी उम्र छोटी है, तेरे अंदर ये लगन किवें लग गई? कहिंदी तुहानू मैं की दसा, 12-13 साल दी उहदी उम्र है बच्ची दी। कहिंदी तुहानू की दसा, जदों मैं बाबा दीप सिंह जी दे इतना हाजरी भरन आउणी शुरू कर दित्ती है ना ऐतवार नाल 27 तरीक नूं वे चुपहरियां दे विच, कदी रहण सिपाहियां च वी। कहिंदी मैं तुहानू की दसा, बाबा दीप सिंह जी नाल मैनूं इहो जिहा प्यार हो गया जिवें इक धी नूं अपने प्यो नाल हुंदा है। ते कहिंदी कहिंदी इहो जिहा प्यार मेरा बाबा दीप सिंह जी नाल बन गया जिवें इक धी दा प्यार अपने पिता नाल हुंदा है ना। ते कहिंदी धी कोई भी गल कवे, पिता अपना टिल दा जोर ला देंदा है कि इहदी गल मैं पूरी करनी करनी है। टिल दा जोर ला देंदे ने मापे, पिता टिल दा जोर ला देंदा है कि मेरी धी ने आ चीज मंगी, पूरी मैं कोशिश करनी है, जे मेरे वस दे विच चीज इहदी मंग मैं जरूर पूरी करनी। ते कहिंदी मैं तुहानू की कवां, कहिंदी जदों दा मैं इह ऐतवार ते ऐतवार जां 27 तरीक नूं जां रहण सिपाहियां च आउण लग पई, बाबा दीप सिंह जी मैनूं अपने प्यो लगण लग पए ने, ते मेरे अंदर एडी शरधा बच गई, एडा विश्वास। कहिंदी जदों भी मैं आउनी आ कोई ना कोई विश लै के आउनी आ, बाबा जी आ मेरा कम कर दिओ। कहिंदी पता नहीं की बाबा दीप सिंह जी दा तरस है, मैं बाबा दीप सिंह जी दे चरणां विच जिहड़ी भी विश मंगदी आ ना, जिहड़ी भी अरदास करदी आ, बाबा दीप सिंह जी धीआं वांगू मेरी अरदास पहले सुन लैंदे ने। इह मेरी बेनती है, आ जदों ऐतवार ते ऐतवार इत्थे आउणा है ना, बाबा दीप सिंह नूं प्यो बना लो अंदरों ही। बापू मैं ते तेरा बच्चा वा, चंगा वा तां वी तेरा, मंदा तां वी तेरा, औगणे आला तां वी तेरा, गुणवान तां वी तेरा, माड़े काम करदा तां वी तेरा, चंगे करदा तां वी तेरा, सेवा करदा वा तां वी तेरा। ते जे किते मैं ढिल्ला मिठा वा ना, किसे काम दे विच आलस वी कर जांदा तां वी तेरा ही आ। पड़दे ढक लै, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। अंदरों अपना आप सरेंडर करके ते वेखो
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਜੋੜੇਗੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਖੁਦ ਚੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਸਤਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਏ ਲਓ। ਹੈ ਜੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਖੁਦ ਚੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਮਦਦ ਦੀ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਉਮੀਦ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲਾਓ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ। ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜੀਏ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਬਾਬਾ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ ਤਾਂ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ 8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ 1.25 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ, 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 40 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਲੇਟ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜੇ ਹੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜੇ ਹੀ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵਾਪਸ, ਸਵੇਰੇ ਫਲਾਈਟ ਸੀ 10:30 ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਆ ਗਿਆ 10:30 ਨਹੀਂ 12:00, 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਆ ਗਿਆ 12:30, 12:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਆ ਗਿਆ 1:00 ਚੱਲਣੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧੁੜਕੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਵੀ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀਓਂ ਆ ਕੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਥਕਾਵਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਭਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ +2 ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ +2 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਓਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ।
दुनिया की परवाह ना करो क्योंकि एक गल अपने अंदर पक्के तौर पर वसालो दुनिया चढ़ते सूरज नूं ही सलाम करदी आ खुद धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास ते जदों तुसीं मेहनत करोगे ना मेहनत तुहाडी मेहनत नूं लोग नजरअंदाज करनगे ते करदा ही रहिंदा इहदा ते इदां ही कम है नजरअंदाज करनगे तुहानूं अंदरों डेगण की भी कई बार कोशिश करनगे नजरअंदाज भी करनगे कई बारी तुहाडे प्रति अफवाहां भी फैलाउणियां शुरू कर देणगे पर दुनिया की परवाह ना करो तुहाडी मेहनत ते संघर्ष नूं नजरअंदाज करदी है दुनिया इसलिए एक चीज अपने माइंड विच रखियो जदों तुहानूं कोई नजरअंदाज करे ते समझ लैणा हर उस चीज नूं लोग नजरअंदाज करदे ने जिहड़ी चीज उहनां दी पहुंच तो बाहर हुंदी है आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास छोटे होंदे असीं पढ़दे सन ओ लूंबड़ी ओ जिहड़े अंगूर सी अंगूरां तक पहुंच नहीं पाई ते खीर ते रौला की पाता अंगूर खट्टे ने अंगूर खट्टे अंगूर खट्टे ते हैं नहीं सी असल च आप नहीं पहुंच पाई जदों बंदा दूजे दे वांग आप अगे ना ना वध पावे ते ओहदे प्रति गल्लां बनाउणियां शुरू कर देंदा ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸਲ ਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੀ ਗੱਲ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਨੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਥੂ ਕੌੜੀ ਹੱਥ ਆਈ ਨੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੌੜੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੱਥ ਆਈ ਨੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਖਾ ਸਕਦਾ ਨੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੌੜੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਭਾਈ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਿਓ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਿਓ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖੋ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 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 ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਈ ਚੱਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਵਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਪੰਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਨੇ ਉਦਾਂ 90-95% ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਈਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਰਿਆ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਸਿਰ ਤੇ ਪੁਆਈ ਜਰਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਲੇ ਜਰਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਚ ਵੀ ਧਰੂਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਟਪਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਚੱਕਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ 90-95% ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਜੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ
गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 748 नंबर अंग दे उत्ते दर्ज सारी संगत प्यार दे विच ए पढ़ियो जेहा मनोरथ कर अराधे सो संतन ते पावे। जिहो जिहा मनोरथ करके असीं बाबा दीप सिंह नूं आराधदे आ ना ओहो जे हिसाब नाल ही बाबा साडियां झोलियां भरी जांदा है। बाबा दीप सिंह जी दे कोल आके कोई पुत मंगदा बाबा ओह वी दे देंदा है। बाबा दीप सिंह जी दे कोल आके कोई कहिंदा बाबा मेरा वीजा लवा दे बाबा ओह वी दे देंदा है। बाबा दीप सिंह जी दे आके चुपहरियां विच कोई बेनती करे बाबा दीप सिंह जी मेरा कारोबार चला दिओ बाबा ओह वी चला देंदा है। ते जेड़ा चुपहरियां विच आके कहे बाबा दीप सिंह जी मैनू ते तुसी चाहिए बाबा ओहदे नाल वी जाके बह जांदा है। मेरी बेनती जेहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे। बड़े प्यार विच ए शब्द सारी संगत ने अपना पढ़ना ते ध्यान बाबा दीप सिंह दे चरणा दे धरियो जेड़ी जेड़ी भावना लेके आए उन्हां विश्वास। कल मैनू एक बच्चा मिलिया सीसगंज साहब शायद वो इस वेले लाइव भी सुनते होणगे। मैनू वो बच्चा मिलिया मैनू कहिंदा मैं हर ऐतवार मन दी भावना इत्थे आया करां अस्थान ते पर दिल्लियों आना हर ऐतवार कई बार औखा हो जाता है। कहना महीने च एक बार आ जाया करांगा पर बाकी जेडे चुपहरे ने मैं घर कट्टणे ने की चुपहरे कट्टण दे नाल मेरियां झोलियां भर जाणगियां की चुपहरे कट्टण नाल मेरियां झोलियां भर जाणगियां। मैं क्या पुत्रा तो शुरू होना है ते इदां विश्वास नहीं रखना की झोलियां भर जाणगियां। ये नहीं कह मैं चुपहरे कट्टणे शुरू कीते बाबा दीप सिंह ने मेरियां झोलियां भर दित्तियां ने। आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी मेरियां झोलियां बाबे खंडे वाले ने भर दित्तियां ने। मैं कह ये भरोसा रख ये नहीं की भर जाणगियां ये नहीं ते फिर किंतु आ गया ना विच मैं बाबे दा बनिया बाबे ने मेरियां झोलियां भर दित्तियां ने कृपा कर दित्ती है। सारी संगत प्यार दे नाल ये शब्द पढ़ियो कोई रसना मंझी ना रहे। बड़े प्यार च सारी संगत हाजरी लाओ। जेहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे। जेहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे। बोलो जेहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे। तन तन बाबा बाबा दीप सिंह जी तन तन बाबा दीप सिंह बोलो जी। जेहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे। जेहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे। धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह तन खंडे वालिया जो किछ करे सोई प्रभु माने
सिंह जी जो कुछ भी करते ने ना गुरु रामदास जी नू कलगी धरन उन्हां दा हर कीता चंगा लगदा आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी ते गुरु रामदास जी बाबा दीप सिंह दा क्या नहीं मोड़दे जो किश करे सोई प्रभ मन्ने क्यों क्योंकि ओए राम नाम रंग रते और रंगे हुए ने ना नाम दे विच बाबा दीप सिंह जी ते जो कुछ भी बाबा दीप सिंह जी कहिंदे गुरु रामदास नू मनना पैंदा है अगली पंक्ति च कहिंदे तिनकी सोभा सबनी थाई बाबा दीप सिंह जी दी सोभा सारियां थावां ते हर जगह दे उत्ते तुसी अपनी अखां नाल वेख ही रहे हो नजारे हर जगह दे उत्ते बाबा दीप सिंह जी दी सोभा क्यों तिनकी सोभा सबनी थाई जिन प्रभ के चरण प्रते क्योंकि परमेश्वर गुरु रामदास दे चरणां दे नाल उन्हां ने सांझ बना ली ना ओदे करके फिर हर जगह ते उन्हां दी सोभा कि मैं कह रहे सै पढ़े हो जो किछ करे सोई प्रभ माने ओए राम नाम रंग राते तिन की सोभा सबनी थाई जिन प्रभ के चरण करके सच्चाई है वो ओदा ही रूप बन गए ने जी ओदा ही रूप आखो धन बाबा दीप सिंह जी ओ गुरु रामदास दा रूप बन गए कलगी धर पिता दा रूप बन गए बाबा दीप सिंह जी ते जिन्नी पावर गुरु रामदास दे विच ना ओ जिन्नी पावर गुरु गोबिंद सिंह साहिब दे विच अपने भगत प्यारे दे अंदर भी ओही पावर भर दित्ती गुरु ने बोले सो हाल सब ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਪੜਿਓ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ
संगत का सदका ओदा भी उधार हो जाता है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। करोड़ा ही पाप करती सी ना गणका, करोड़ा पाप गणका पापन होए गई, पापा दा गल हार परोता, करोड़ा पाप पर होया कि महापुरख अचान चक गणका वाड़े आए खलोता। महापुरख बारिश बड़ी हो रही, कहते रात गुजारने वास्ते कोई जगह मिल गई, कितने दीवा बत्ती जगदी वेखी। जदों बुआ खड़काया वह वेसवा का घर सी, ते जदों उन्हें बुआ खोलिया ते इन्हां दे मूँह इहो ही निकलिया, धीए एक रात गुजारनी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। हुण अज तक दूजे गंदे नावां नाल बोलण वाले ते बड़े आए, पर धी कहण वाला पहली वारी आया। एकदम जेड़े अंदर पाप करम वाले फुरने सी ना, एकदम हट गए। कौन है? चेहरे दा जलाल नहीं चलिया जा रहा, कौन है? महापुर कहन लगे, धीए एक रात कटनी, बार बारिश बड़ी। हुण महापुर खां नूं रात रुकण वास्ते जगह देती, उन्होंने सारा माहौल वेख लिया। इहदे कोलों पुछिया, इन्हें भी सच दसता कि मैं इदां गलत कम करन वाली, गलत धंधे करन वाली। देखो सानू आउंदा प्यार किसे दे गुण वल वेख के, सानू प्यार आएगा किसे दी माया वल वेख के, है जी। पर महापुरख जदों रीझदा ना, औगणा ते भी रीझ पैंदा, औगणा ते भी तरस करन लग पैंदा। महापुरख कहिंदे इक रात इहदे घर बच्ची दे घर बतीत कीती, इहनूं कुछ देणा है। तरस आ गया, इक तोता देता हथों अपने। महापुर कहिंदे पुत्र ये तोता लै लै ते राम नाम च पाया कर, हुण तोता तुसी भी लियाओ बाजारों। हुण ओह तोते नूं वाहिगुरू वाहिगुरू जपाउणा शुरू कर दिओ, किन्ना कु टाइम च पा लोगे? दो मिंट, तीन मिंट, एक दो वारी बोलेगा, पंज? हर वारी थोड़ी बोले, हर वेले थोड़ी बोल सकदा। असलीयत च तोता नहीं दिता, महापुरखां ने अपनी कमाई भी दे दी। अरदास कीती, परमेशर ये तोता पे एक बहाना बनना है, कृपा ते तैं वरतौनी है। कहिंदे राम राम जपाया कर, ओहो ही गणका पापन। जदों तोते नूं राम राम जपाउणा शुरू कीता, उहदे सदका उहदा भी उधार हो गया। कोट अपराधी संत संग उतरै, जम तां कै नेड़ ना आवै। जम फिर नेड़े नहीं आउंदे, ते जन्म जन्म का बिछड़िया होवै, तिन हर सिउ आण मिलावै। कई कहिंदे जी महापुरख ते वेले रहिंदे ने, इह ते कम कार नहीं करदे। जेडे महापुरखां तों उल्ट प्रचार करन वाले ना, कई वारी कहे इह वेलण ने। तुसीं वी कई वारी आउंदे हो चुपहरे, इह ते वेलिआं दा कम है, इह वेलिआं दा कम है। संगत करनी है ते वेलिआं दा कम, महापुरख ते वेले ने, वेले वेलण ने। ओ नहीं प्यारे, ओ महापुरखां दी पता की ड्यूटी, केड़ी किरत है? मैनूं इक जणे ने सवाल कीता, कहिंदे गुरु नानक ने बचन कीता, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। महापुरख ते किरत करदे नहीं कोई, बाबे ते किरत करदे नहीं कोई। ओ मैं कह, तेरी वेखण वाली अख ने जिहड़ी किरत ओह करदे, दुनिया दा कोई बंदा कर नहीं सकदा। कहिंदे ओह केड़ी करदे ने किरत? मैं कह, तूं की कम करदा? कहिंदा मैं भांडे वेचदा वां, मनियारी दा कम है मेरा। मैं कह, तेरे मत्थे दे उत्ते मालक ने लिखिया तू आ कम करन लग पिया। कोई नौकरी करदा, कोई खेती करदा, कोई कुछ करदा, इदां ही है ना। नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे। ते मैं कह, प्यारे एक गल सुन, महापुरख भी वेले नहीं। कदी ये ना क्या करो महापुरख वेले, बाबे वेले, साध वेले, नहीं। मैं कह, उहनां दा कम पता की है? जिहड़ियां रूहां परमेशर तों टुटियां ने ना, उहनां नूं परमेशर नाल जोड़न दा।
परमेश्वर ने लिखिया ही उन्हां दा धंधा एक है कि जेडे टुटे ने उन्हां नूं जोड़ो जी आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जन्म जन्म का बिछड़िया होवे तिन हर सिओ आण मिलावे जेड़ा जन्मा जन्मा दा बंदा बिछड़िया पिया ना ओनू परमेश्वर दे नाल मिलाउण दी किरत करदे ने महापुरख। मैं अपने कोलों नहीं कह रहा, गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे बोल ने सुनियो। ते जदों तुहानू कोई कवे ना सौध ते वेले ने महापुरख ते वेले उन्हां नूं क्या करो, उन्हां वर्गी किरत नहीं कोई कर सकदा जिहड़ी किरत ओह करदे ने। पढ़े जी प्यार ना कोट प्रार्थी संत संग उतरे जमता के चरणा का आखो धन गुरु रामदास जी। पटना दूर हो गई, सहम डर दूर हो गए। डर कई बार बंदा डरता है ना, हाय की बनेगा, चिंतावां वो डर मुक गए महापुरखां दी संगत विच आउण दे करके। ताई ते वार वार कहने आ इह संगत नहीं छड्डणी, महापुरखां दी कमाई वालिआं दी संगत करदे रहो। तुहाडे घरां चों गरीबी ते हटणी हटणी प्यारिओ, कल कलेश ते दूर होणे ही होणे ने, ओह अनेकां तरहां दे डर वी आपे दूर हो जाणे ने। सत श्री अकाल। कई वार डर लगदा ना, कोई नजर ही ना ला दे, कोई नजर ना ला दे, कोई कुछ कर ही ना दे, एवें डर, एवें बंदा डर, कुछ खोया नहीं, बस एवें सोचा ही बनी जाती है, हाय की होएगा, हाय की बनेगा, हाय की बनेगा, बस आही चीज उन्हूं दे दे, बाबा तू जानदा है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। मेरा काम ते चपेरे कटणे, दुख दूर करना मेरा काम नहीं, ओह तेरा काम है जी। मेरा काम ते सुखमनी साहिब पढ़नी, उद्दम करना, जपजी साहिब करनी, अमृत वेले उठना, मेरे घर चो कला कलेश दूर किवें करना ओह तू करना। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। बाबा जीव सिंह जी, तेरी ड्यूटी है यारो, मैं तेरे नाल यारी लाई है,
ਐ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਆ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦਾ ਬਸ ਓਦਾਂ ਹੀ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਆ ਬਾਪੂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਆਪੇ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭਉ ਕਟੈ ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਆਵੇ ਜਿਹਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰ ਅਰਾਦੇ ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰਕੇ ਅਰਾਦੋਗੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਹਦਾ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਮਰਨੇ ਸੱਤ ਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਭੇਜਦਾ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਤੇ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧ ਤੇ ਸਹੀ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜ ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟ ਲਏ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਦੋ ਚੁਪਹਿਰੇ ਕੱਟ ਲਏ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰ ਅਰਾਦੇ ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਾਧ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬਾਪੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਆ ਸਭ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬਾਪੂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਵਾ ਲੇਗਾ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਓ ਜੀ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ
बड़े प्यारे लगते ते प्यारे लगन भी क्यों ना रुमाले चढ़ाने ता भी सौखे ने गुरु दरबार च आके कड़ा प्रशादी देख चढ़ाउनी भी सौखी है गुरु घर च आके जो तिल फुल मारा ने दिता ओ चो माया मत्था टेकनी भी सौखी है लंगर लगाने भी बड़े सौखे ने पर सिर देना बड़ा ही औखा है। महाराज महापुरखां दी वडियाई मैं भी नहीं बयान कर सकता जेडे अपने परमेश्वर नूं भा गए अगे कहिंदे कहो नानक जिन सतगुर भेटिया से सब ते भए निकाणे ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜਗੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੁਛੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਸ ਅਧੀਨਤਾ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ ਖੁਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪੜੋ ਗੀਤ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਚ ਬੋਲਿਓ ਜੀ जन की मैं मां के तक पर ना जो प्रभ अपने पाने कहो नानक जिन सतगुर संतन है
दूरों नेड़े जो चल के आए सब दा धन्नवाद गुरु रामदास बाबा दीप सिंह सब दियां झोलियां भरन प्यार नाल सारे फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी सतसंग जी ये जरूरी मैसेज नूं सुनियो भी और शेयर भी करियो। मेरी बेनती जदों भी अमृतसर साहब आओ जिन्नी वारी भी आओ बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दत्ताबंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीर्थ रोड विखे जरूर चरण पा के जाया करो और अपनी अखां नाल वेखो किवें इत्थे सेवावां दा कुंभ चल रहा है। मैं जिहड़ी विशेष बेनती करन लगा इहनूं ध्यान नाल सुणियो। साढ़े कोल जदों वड्डे पद्धर दे उत्ते असीं कोई समागम करदे हां चुपहरा जप तप समागम जां कोई रहिण सभाई समागम करदे हां साढ़े कोल संगत नूं बिठाउण वास्ते वड्डा हाल नहीं सी। इसे चीज़ नूं मुख रख के बाबा दीप सिंह जी की कृपा का सदका इस जगह के उत्ते राम तीर्थ रोड के उत्ते जिथे सेवावां दे बेअंत कार्य चल रहे ने हुण एक नवा उपराला किया गया घट तो घट 7-8 हज़ार संगत बैठ सके एडा वड्डा विशाल दीवान हाल जो बनाया जा रहा और इहदी जो उसारी है जोरां शोरां ते शुरू हो चुकी है। मेरी सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां दे विच सनेमर बेनती प्यारे हो बाकी दे सारे खर्चियां नूं संकोच के आप जी घट तो घट एक एक मैंबर एक तेरी दी हाजरी जरूर लावे 1300 दी और जिन्हां नूं पिता जी ने वध समर्था दित्ती है भावें 2 तेरियां 10 तेरियां 50 तेरियां 100 तेरियां जिन्ना भी तुसीं वध तों वध सहयोग दे सकदे हो ना जरूर देना क्योंकि ये करोड़ां दा प्रोजैक्ट है और ये कोई मेरा निजी काम नहीं ये संगत दे कारज ने पंथ दे कारज ने और ये गुरु रामदास ते बाबा दीप सिंह जी दे कारज ने। ये सारिया ने मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ देना और ये किसी ने भी ढिल मठ नहीं करनी क्योंकि ये बाबा आनंद सिंह साहब का वचन है महापुरखों का वचन है केंद्र जदों तुसी संगत दे कारज दे लई कुछ करते हो ना संगत की फिक्र करते हो क्योंकि इतने संगत ने बहना है संगत ने कीर्तन नाल जुड़ना है जदों तुसी संगत का ख्याल रखते हो तो गुरु रामदास बाबा दीप सिंह तुहाडा ख्याल रखते हैं। तुसी संगत दे बहन की जगह दे विच अपना हिस्सा तिल फुल पा दिओ तुहाडे लोक परलोक दे विच पर्दे टक्कण की जिम्मेवारी गुरु रामदास अपने सिर ते लै लैणगे। भागां वाले हो मेरी निम्रता सहित बेनती है जो ये वड्डा यग मेरे मन की भावना है जल्दी तो जल्दी ये हाल बन के तैयार होवे और संगतां इहदे विच कथा कीर्तन सुनन लाभ लैण और ये इच्छा है दास की कि जिहड़ा बिल्कुल भी दसवंद नहीं ना कढ़दा वह भी जदों अपने जो जेब खर्चे दे विच्चों दसवंद कढ़ के इस सेवा दे कुंभ दे विच हिस्सा पाएगा किसी ना किसी ढंग नाल उहदी भी सांझ गुरु रामदास दे नाल बाबा दीप सिंह दे नाल बन जाएगी। आओ भागां वालिओ ये सारे कारजां नूं संकोच के मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के ये पंथक कारज दे विच सहयोग देण दा समां है जिवें बाबा सेवा सिंह जी महापुरख गुरु के महल की उसारी चल रही सी ओ रिक्शियां वालियां दे कोल सेवा कट्ठी करन वास्ते तुर पए तो सेवादारा ने कहा महापुरखो आप जी रिक्शे वालियां दे कोलों सेवा कट्ठी कर रहे हो कोई 25 पैसे दे रहा कोई 50 पैसे कोई 1 रुपया साढ़े कोल ते इन्ने वड्डे वड्डे संगी बैठे ने कोई 5 हज़ार देंदा 10 हज़ार कोई 1 लाख रुपया दे रहा ये रिक्शे वालियां कोलों इदां सेवा क्यों कट्ठी कर रहे। तो बाबा सेवा सिंह जी महापुरखां ने बचन किया कहण लगे प्यारे असी चाहुंदे आ कि ये रिक्शे वाले का भी किसी ना किसी ढंग नाल भला हो जाए केंद्र जदों ये दिते दसवंद विच्चों 2 इट्टां भी गुरु के महल की कार सेवा दे विच लग गई उसारी दे विच लग गई उस इमारत दे विच लग गई तो इहदी भी सांझ गुरु तेग बहादुर साहब के घर दे नाल बन जाएगी। तो आओ गुरु रामदास बाबा दीप सिंह के घर दे नाल सांझ बनाउण दा वेला आया वध तों वध आप जीआं ने सहयोग करना TV स्क्रीन के उत्ते नंबर चलते ने इन्हां नंबरां दे उत्ते आप जी ने जो अपनी सेवा Paytm गूगल पे फोनपे भी कर सकते हो और अकाउंट डिटेल भी TV स्क्रीन दे उत्ते चल रही स्क्रीनशॉट लै लो इहदी फोटो खिंच लो और अपनी सेवा तुसी इन्हां अकाउंटां दे विच पा के सानू
दिते हुए नंबरों के उत्ते मैसेज जरूर कर देना असी इन्नी सेवा जो भेजी है ट्रस्ट नूं तां जो तुहानूं रसीद ते सत्कार समय सिर पहुँचाया जा सके। और एक विशेष बेनती, आप जी ये सेवावां दे कारजां दे विच पक्के महीनावारी डोनर भी बन सकते हो कि हर महीने असी ट्रस्ट नूं इन्ना दसवंध भेजना ही भेजना है। वो नंबर भी तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते फ्लैश हो रहे हैं। आप जी इस नंबर दे उत्ते फोन करके मैसेज करके कि असी इन्ना दसवंध हर महीने ट्रस्ट नूं भेजिया करांगे, आप जी अपना मैसेज दिओ और साडे वल्लों तुहानूं फिर डोनर नंबर दे दिता जाएगा कि तुहाडा इन्ना नंबर डोनर है, फिर उस मुताबक तुसी हर महीने अपनी सेवा ट्रस्ट दे अकाउंट दे विच पा सकते हो। ये मेरी बेनती, मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के आओ इस मुहिम दे विच शामिल होइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। धन धन रामदास गुरजन सिरे आतने सवारिया, पूरी होई करा मात आप सिरजन हार है तारिया। मेरी बेनती, जिहड़ा मैं मैसेज देण जा रहा, ये मैसेज नूं वध तों वध शेयर जरूर करियो। प्यारियो, गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का आगमन पुरब आ रहा 30 अक्तूबर नूं। इसे संबंध के सृष्टि के मालक पिता दीयां खुशियां लैण दे संबंध के सारे जिन्हें भी तुसी जो परिवारक मैंबर रोज़ कीर्तन के मंडल के जुड़ते हो, सब नूं मैं बेनती करदा कि खुले पाठां दी लड़ी प्रारंभ हो रही है। आप जी अपने अपने घरां दे विच एक एक सहज पाठ जरूर करो 30 अक्तूबर तक। जिहड़े सहज पाठ नहीं कर सकते, एक एक प्रेमी रोज़ दे 10 पाठ जपजी साहब जां 2 पाठ सुखमनी साहब दे करे। जिहड़े ये नहीं कर सकते, 6 माला मूल मंत्र दियाँ। जे ये भी नहीं कर सकते तो 80 माला रोज़ वाहिगुरू वाहिगुरू शब्द दियाँ गुरमंत्र दियाँ फेरनियां ने। एक कापी ला लो, कापी दे उत्ते रोज़ तुसीं किन्ना जाप कर रहे हो ये जाप नोट करी चलो। और 29 अक्तूबर नूं टीवी स्क्रीन दे उत्ते नंबर आने शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। 29 अक्तूबर नूं तुसीं दिते हुए नंबरां दे उत्ते संपर्क करके जो मैसेज करके अपने पाठां की गिणती लिखवानी है। 30 अक्तूबर नूं अमृत वेला, 18 अक्तूबर तो 30 अक्तूबर तक अमृत वेले दे समागम होने ने रोज़ाना, जो 3 तो लैके 5:30 बजे तक बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब। तो 30 अक्तूबर नूं अमृत वेले दे समागमां दी समाप्ति ते ये जिन्नी तुसी बाणी पढ़ोगे, जिन्ना तुसी जप तप करोगे, इहदी अरदास होएगी। और असी गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी नूं कुछ नहीं दे सकते, उन्हां दा आगमन पुरब असी ते मंगते हैं हर वेले उन्हां कोलों लैणा है। पर प्यारिओ, गुरबाणी दी भेटा, बाणी वध तों वध पढ़ के आपां गुरु चरणां दे विच अपनी हाजरी लवाउणी ते पिता जी दीआं खुशियां लैणियां। भुल्लिओ ना, कापियां ला लो अज तों ही। और किन्ना जाप तुसी रोज़ कर रहे, कापियां दे उत्ते नोट करी चलो। पिंडां पिंडां शहरां शहरां दे विच टंडोरा दे दिओ। तुहाडे घर कोई कम भी करदा है ना, उहदी भी कापी लवा दिओ। कोई दुध देण वाला भी आ रहा, उहदी भी कापी। एक इनकलाब लै आओ कि ये जो कलयुग का प्रभाव बहुत ज़्यादा हर जगह पर पिया होया, असी गुरबाणी का जाप करके ये कलयुग के प्रभाव को घटाउणा है। सनेमर बेनती, भुल्यो ना, अज तो ही अपनी अपन कापियां लाओ, रोज़ का किन्ना जाप तुसी करदे नोट करो। तो 29 अक्तूबर तक तुसी ये सारी गिणती ट्रस्ट के नंबरों के उत्ते देने की कृपालता करनी। वो नंबर कुछ दिनों तक टीवी चैनल के उत्ते चलने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने नंबरों के उत्ते तुसी फिर गिणती देनी 30 अक्तूबर नूं अमृत वेले। फिर एड्डी वड्डी गिणती दे विच जदों बाणी दी भेटा दवांगे असी गुरु रामदास जी दे आगमन पुरब ते, ते गुरु रामदास करनगे कि साढ़े सारिआं दी झोली दे विच लोक परलोक दीआं दातां पाउणगे। ये बेनती है, वध तों वध ये सुनेहे नूं शेयर करियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।